बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहबराज सईद। नाज़रीन, 31 दिसंबर 2022 गुजर गया अपने साथ बहुत सी तलख़ोशीदी यादें लेकर, लेकिन 31 दिसंबर का अहम तरीन इवेंट जो करार पाया था वो था बलदियाती इंतबात इस्लामाबाद कैपिटल एरिया के, वो ना हो सके या ना होने दिए गए। वजह क्या बनी? बलदियाती इंतबात इस्लामाबाद जो कि मई जून में होने थे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त दी कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए हम इस्लामाबाद एरिया में 51 यूनियन कौंसल की बजाय 101 यूनियन कौंसल बनाना चाहते हैं, और आपसे दरख्वास्त है कि आप उस हवाले से ही यूनियन कौंसल्स की हल्का बंदियां कर लें, उसी तरतीब से फिर अपना सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज करें और उसके बाद इंतबात का इनका करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट की और उसके मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। लिहाजा जो इंतबात हैं वो दिसंबर 2022 में करार पाए। 101 यूनियन कौंसल के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां की, उन पे एतराज़ात सुने, एतराज़ात दूर किए, उसके बाद कैंडिडेट से एप्लीकेशन तलब की, एप्लीकेशन हो गई तो उन पे एतराज़ात जो होने थे वो हुए, फिर कैंडिडेट्स को इंतहाबी निशानात अलाट हुए, उसके बाद बैलेट पेपर वगैरह की प्रिंटिंग शुरू हुई, उसके बाद अमले की का तकर्रर हुआ, और फाइनली सारे ये प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए, सारे प्रोसेस से गुजरते हुए 31 दिसंबर 2022 को पोलिंग होना करार पाई। लेकिन उससे सिर्फ 11 दिन कबल वफाकी हुकूमत को ये ख्याल आया, ये कोई अलहाम हुआ कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए 101 यूनियन कौंसल्स भी थोड़ी हैं और इनकी तादाद 125 हो जानी चाहिए। लिहाजा उन्होंने इलेक्शन कमीशन का दोबारा रुख किया, एक एप्लीकेशन डाल दी और उन्हें कहा कि जी ये हम चाहते हैं कि इन इलेक्शन यूनियन कौंसल की तादाद 125 हो जाए, इसलिए आप मेहरबानी करें मौजूदा इलेक्शन का इनकार रोक दें और 125 यूनियन कौंसल के हवाले से अपना काम मुकम्मल करें। इलेक्शन कमीशन ने पहले तो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, और बज़ाहिर बात भी ठीक थी कि सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, करोड़ हा रुपये खर्च हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन के, हुकूमत पाकिस्तान के, और 6 माह पहले तो वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि 101 यूनियन कौंसल होगी और उसी के हवाले से हल्का बंदी होगी और उसी के मुताबिक इलेक्शन होंगे। अब 6 माह में कौन सी कितनी आबादी बढ़ गई जिसकी वजह से सारा इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो तलपत कर दिया जाए। वहाँ से जवाब लेने के बाद वफाकी हुकूमत पहुँच गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अपना ये मुद्दा बयान किया, जिसे सुनने के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें दोबारा इलेक्शन कमीशन जाने की हदायत की, और इलेक्शन कमीशन को बहरहाल ये कह दिया कि वफाकी हुकूमत की बात सुनकर इसको मुनासिब तरीके से इसका सलूशन तलाश किया जाए। इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत की दलायल सुने और एक कानून जो कि वफाकी हुकूमत ऑलरेडी कौमी असम्बली और सेनेट में ला चुकी है, उसका मुसवदा पास करवा चुकी है, जो कि अब ईवान सदर में इंतज़ार कर रहा है सदर मुमलकत के दस्तखतों का, उस मुस्तकबिल में आने वाले मुसवदा कानून को बुनियाद बनाकर इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को रिलीफ फ्राहम कर दिया और ये इलेक्शन मुअत्तल कर दिए। उसके बाद PTI और जमात इस्लामी वगैरह और दीगर कैंडिडेट्स जो हैं इस इंतबात में वो सारे दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए और उन्होंने वहाँ पे जाकर ये पली ली कि जनाब कौन सी मरदमशुमारी हुई है, कौन सा सर्वे हो गया है जिसके मुताबिक ये सारे का सारा निज़ाम तलपत किया जा रहा है, सारे का सारा प्रोसेस मुलतवी किया जा रहा है, 6 माह के अंदर अंदर कौन सी आबादी बढ़ गई है जिसकी वजह से अब ये इलेक्शन मुअत्तल हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान से जवाब तलब किया तो वहाँ से कोई खातरख्वाह जवाब ना बन पड़ा, ना ही कोई मजबूत दलील दी जा सकी। लिहाजा इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30 दिसंबर को फौरी तौर पर यह फैसला सुनाया कि ये
इलेक्शन मकामी इंतखाबात जो इस्लामाबाद कैपिटल एरिया के हैं वो मुकर्रर तारीख यानी 31 दिसंबर को ही वक्तू पजीर होंगे। ये फैसला सुनना था कि फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून के जोमा टेलीविजन स्क्रीनों पर तशरीफ लाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुकाबले में अपना फैसला सुना दिया और फरमाया कि ये इंतखाबात किसी सूरत वक़ूअ पज़ीर नहीं हो सकते क्योंकि टाइम ही नहीं है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जिसका काम ही इंतखाबात का इनेकाद करवाना है और ये गरीब कौम सालाना अरबों रुपये इस अदारे पर खर्च करती है, लेकिन मौजूदा दौर में ये अदारा अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ निभाता नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन के जुमा को अहदेदारान को जब यह इलम है कि एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जा रही है और आज उसकी तारीख है, वहाँ से कोई भी फैसला आ सकता है, तो उन्होंने किस बुनियाद पर ये सोच लिया कि 31 दिसंबर की पोलिंग किसी सूरत अब नहीं हो सकेगी? क्योंकि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला आया कि 31 दिसंबर को पोलिंग होगी तो इलेक्शन कमीशन के तोते उड़ गए, उनकी कोई तैयारी ही ना थी, उनकी हाँ किसी किस्म की कोई रिहर्सल ही ना थी, लिहाजा वो सब इसी चक्कर में पड़े रहे कि किसी ना किसी तरह जज साहिबान को इस बात पर राजी कर लिया जाए कि जनाब ये जो फैसला आपने दिया है इससे किसी तरह टाल दें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी किसी किस्म की कोई प्ली ना तो वफाकी हुकूमत की ना ही इलेक्शन कमीशन की 30 दिसंबर को 31 दिसंबर को नहीं सुनी। हाँ अलबत्ता उन्होंने एप्लीकेशन ज़रूर दायर कर रखी है अब, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक उनका कोई जवाब नहीं दिया। नाज़रीन ये सारे का सारा किस्सा है 31 दिसंबर को होने वाले इलेक्शन इस्लामाबाद वफाक जो मुकामी इंतखाबात होने थे उनका। आखिर में इंतहाई मुत्सन आपको वो बारीक बात भी बताता चलूँ जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत बार बार इस इलेक्शन में टाल मटोल करती जा रही है और इसके इनेकाद से गुरेज करना चाहती है, कर रही है। दरअसल ये हुआ कि 101 यूनियन काउंसिल जो तरतीब दी गई वफाकी हुकूमत की जानब से, वहाँ से जब कागजात नामजदगी जमा हुए प्रोसेस हुआ तो 15 उम्मीदवार PTI के ऑलरेडी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं बहसीय चेयरमैन, यानी कि 15 यूनियन काउंसिल में से किसी आज़ाद उम्मीदवार ने भी उन लोगों के सामने अपने कागजात जमा नहीं करवाए, लिहाजा वो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। दूसरी तरफ बकिया 86 यूनियन काउंसिल में से सिर्फ 35 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जहां से मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवार बराए चेयरमैन मिल सके हैं और 2 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जहां से पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार बराए चेयरमैन मिल सके हैं। यूं ये कुल 37 यूनियन काउंसिल हैं जहां पर PTI और PDM की जमातों के दरमियान मुकाबला होगा। बकिया 47 यूनियन काउंसिल्स में PTI के उम्मीदवार तो मौजूद हैं और उनके सामने या तो जमात इस्लामी के कंटेंडर हैं या फिर आज़ाद अराकीन हैं। यूं ये इलेक्शन अपने इनेकाद से पहले ही ये ऐलान करता जा रहा था कि इस्लामाबाद कैपिटल एरिया में मेयरशिप पे PTI 3/4 की अक्सरियत से ये सीट संभालने जा रही है और ये सूरत हाल किसी सूरत भी वफाकी हुकूमत को काबिल कबूल ना थी। सो इस सूरत हाल से बचने के लिए वफाकी हुकूमत गुज़िश्ता कई दिनों से पूरी दुनिया में जग हंसाई का मौका फराहम कर रही है, लेकिन किसी तौर भी इन इंतखाबात के इनेकाद पर राजी होने नहीं जा रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।